आप हमारे चैनल में नए हैं या आपने अभी तक बेल भी आइकन प्रेस नहीं किया है तो देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस स्टॉक के बारे में, जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पॉलीकैब। आप सभी परिचित हैं, अभी रिसेंटली उसका IPO आया था और उसकी लिस्टिंग हो चुकी है। और प्रोडक्ट्स जो हैं दिखा देता हूँ मैं आपको, तो प्रोडक्ट्स इनके इतने ज़बरदस्त होते हैं कि डायरेक्ट नॉट ओनली टू बिजनेस B2B इवन बिजनेस टू कस्टमर्स, मतलब घर घर में भी प्रोडक्ट्स इनके पाए जाते हैं। एक नज़र वेबसाइट पे हम पहले देख लें, आपको बता दें कि पॉलीकैब, देखिए वायर्स, केबल्स एंड वायर्स, स्विचेस एंड स्विच गियर, फैंस और भी प्रोडक्ट्स हम देखेंगे जानेंगे। आइए थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ जिससे आप समझ सकें कि ये कंपनी फिलहाल क्या करती है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1996, मुंबई बेस्ड पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स, केबल्स एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स प्रोडक्ट्स। सम ऑफ द FMEG प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई द कंपनी आर सोलर प्रोडक्ट्स। सोलर एनर्जी से ये जो बनते हैं, जो चार्ज होते हैं, रिचार्ज होते हैं, ल्यूमिनरीज, LED लाइटिंग, इलेक्ट्रिक फैंस एंड स्विच गियर्स, दैट्स वेरी नाइस। द कंपनी एंटर्ड इनटू एन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड FMEG बिजनेसेस इन 2009। चलिए आगे बाकी डिटेल्स हैं। अब देखिए इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि जिनके डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो भी आउटलेट रिटेल्स हैं, 100,000 इनके तो रिटेल आउटलेट्स हैं और 24 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 29 वेयरहाउसेस हैं इन इंडिया। ऑल द सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर हैंडल्ड थ्रू कॉर्पोरेट ऑफिस, इन्हीं के कॉर्पोरेट ऑफिस से ही सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। 3 रीजनल ऑफिसेज एंड 20 लोकल ऑफिसेज लोकेटेड अक्रॉस इंडिया, है ना। तो ये यहाँ पे इन्होंने, और अभी हम बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। द कंपनी हैज़ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स टू 40 कंट्रीज आउटसाइड इंडिया ने कंट्रीब्यूटेड, मतलब 40 अलग कंट्रीज़ में भी अपना माल एक्सपोर्ट करती बेचती हैं। और रेवेन्यू फॉर फिस्कल फ्रॉम फिस्कल 2016 टू 2018, टोटल इनकम लेस एक्साइज ड्यूटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ कंपनी ग्रीव एट अ CAGR, जो इनका चक्रवृद्धि के हिसाब से जो ग्रोथ है, जो नेट प्रॉफिट है, 14.31% एंड 23.80% एंड 41.69% रिस्पेक्टिवली, जो कि ज़बरदस्त ग्रोथ है इनके प्रॉफिट में। अच्छा, फ्यूचर स्ट्रेटजीज जो हैं ऑफ द कंपनीज आर, मेक मार्केट प्रेजेंस मोर प्रोमिनेंट इन वायर्स एंड केबल सेक्टर, इनहेंस एंड एक्सपैंड FMEG बिजनेसेस, इंक्रीज रीच बाई एक्सपेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इम्प्रूव ऑपरेशन इफिशियंसी बाई इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी आर, मार्केट लीडर इन द रिस्पेक्टिव सेगमेंट इन इंडिया, डाइवर्स कस्टमर बेस, अ रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो जो द कॉम्पिटिशन में जो इनका टॉप का सेगमेंट है उन्होंने वो भी बताया। अब हम आपको चलिए आज का क्या भाव चल रहा है वो भी बता दें, बाकी हमें वेट है इनके अगले रिजल्ट्स का। तो रिजल्ट्स के बाद ही प्रॉपर जो स्ट्रेटजी बनाते हैं जो निवेशक होते हैं जो शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, उसके बाद ही ज़्यादा हलचल मचती है। पॉलीकैब इंडिया अप्रैल 22, 2019 11:41 हो रहे हैं और अभी जो भाव पे ट्रेड कर रहा है 635 रुपये, 5 रुपये के डाउन साइड पे है BSE पे, और लो तक 538 मतलब 538 लो बनाया था और 667 हाई था इसका। मार्केट कैप है इसका 9404 करोड़ का और P/24 के आसपास हमने वहीं पे देखा था, आपको नहीं दिखा पाया मैं, 24 के आसपास ट्रेड कर रहा और फेस वैल्यू जो है 10 की है, प्राइस टू बुक है 3.80 की, इंडस्ट्री पी है 24 की और डिलीवरेबल्स है 32.34% की। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि इस कंपनी जो पीयर कंपटीशन की जो कंपनियां, देखिए हैवेल्स इंडिया नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे अपनी इंडस्ट्री में ये है पॉलीकैब इंडिया,
ऑरिस्टोलाइट है, फिनोलेक्स केबल है, के ई आई इंडस्ट्रीज़ है, विंध्या टेली लिंक्स है, यूनिवर्सल केबल्स है, बिरला केबल लिमिटेड है, तो बहुत सारी कंपनियां तो हैं। लेकिन हैवेल्स भी ज़बरदस्त कंपनी, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और इसने 10 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया था। और पॉलीकैब इंडिया भी चलिए अभी लिस्ट हो चुकी है, और आप लोगों के लिए इसके शेयर्स अवेलेबल हैं। और मैं आपको बताऊँ सच, तो अगर जिनको आईपीओ में नहीं भी मिला है, और जिस हिसाब से मार्केट आजकल थोड़ा सा डाउन का रुख ले चुका है नीचे की ओर, तो अगर ये नीचे के लेवल पे आपको मिलता है, जो कि देखिए लंबे समय के निवेशक को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आँख मूंद के इस स्टॉक में पैसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी है, अपनी इंडस्ट्री में सेकंड नंबर पे है, और मैंने आपको मोटा मोटा इसके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, इसके फ्यूचर जो एक्सपेंशंस हैं उसके बारे में बताया। तो मैं तो कहूँगा कि ये मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है, और नॉट ओनली मल्टी बैगर, मुझे लगता है कि साल भर में ही, जैसा कि मार्केट में सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी कह दूँ कि आपका पैसा हो सकता है कि अगर मार्केट अच्छा रहा तो डबल भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, आप कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर कुछ कहना हो तो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक्स।